जीवन के चारों धाम इस धरती पर स्वर्ग लोक की अवधपुरी अभिराम की कथा सुनो श्री राम की जीवन के चारों धाम की शेष थे किंतु पुत्र के बिना रात दिन रखते मन में सुखे गुरु वशिष्ठ थे धर्मनिष्ठ थे जो ने ऐसा ज्ञान दिया कुछ पुत्रेष्ठी यज्ञ करा कर पुत्र का शुभ वरदान दिया सूर्य थम गया चंद्र रुक गया गगन में जय जयकार हुआ भरत लखन शत्रुघ्न और सीरब रार हुआ कथा सुनो श्री राम की जीवन के चारों धाम की पल विचित्र जब विश्वामित्र ने बाप से बेटा मांग लिया राम लखन ने मुनि के खातिर जंगल को प्रस्थान किया वहां ताड़ का मारित सुबाहु मारे अहिल्या का उद्धार धनुष भंग कर दशरथ सुत ने जनक प्रतिज्ञा निभाई जनक नंदिनी ने रघुवर को वरमाला पहनाई कथा सुनो श्री राम की जीवन के चारों धाम की पूछ रहे हैं कि आज ऐसी बात क्या है अरे गोबर गणेश आज श्री राम जी के छोटे भाई अयोध्या पति महाराज दशरथ के कुमार भरत का जन्मदिन है कुमार भरत का जन्मदिन है फिर तो आनंद ही आनंद गजमोती गजमोती ये सब क्या हो रहा हम लोग कुमार भरत का जन्मदिन मना रहे हैं कुमार भरत की जय कुमार भरत की जय कुमार भरत की जय लेकिन कुमार भरत है कहाँ कुमार भरत राम मंदिर के सिवा और क्या होंगे प्रभु आज मेरा जन्मदिन है मुझे आशीर्वाद दीजिए सदा आपके चरणों में मेरी भक्ति और प्रेम बना रहे स्वामी कितने भाग्यशाली हैं आप जो रात दिन प्रभु की सेवा करते रहते हैं मानवी हाँ स्वामी
सेवा तो मैं भी आपकी नहीं कर पाती। सच? लेकिन मांडवी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मांडवी, अनमोल उपहार आपके जन्मदिन पर देने के लिए। देखो सुंदर, अति सुंदर। प्रभु, मांडवी तुमने सचमुच अनमोल उपहार दिया है, मगर इसमें तुम कहां हो? भगवान और भक्त के बीच और कोई कैसे आ सकता है? भैया, बड़े भैया, क्यों शत्रुघ्न, क्या समाचार है? अयोध्या से दूत आया है। हाँ भैया, बहन के कई ने चंदन के द्वारा तुम्हारे जन्म दिवस में स्वर्ण मुकुट भेजा। प्रणाम कुमार। चंदन अयोध्या में कुशल तो है? हाँ कुमार, आपके लिए ये पत्र भेजा है। बेटा भरत, ये स्वर्ण मुकुट तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। जानते हो ये श्री राम के सिर का नाप लेकर बनाया गया है, राम को बहुत पसंद है। प्रभु, आशा है तुम्हें भी पसंद आएगा। शत्रुघ्न और मांडवी को मेरा आशीर्वाद। तुम्हारी माँ देखी। मामा जी, ये मुकुट तो मेरे प्रभु के शीश पर ही शोभायमान होगा। तुम्हारा त्याग सब कुछ अनोखा है। हाँ भरत, तुम्हारे जन्म दिवस की खुशी में हमने एक नाटक का आयोजन किया है। जानते हो क्या खेला जाएगा? क्या मामा जी? तुम स्वयं देख लेना।
पर हाथ बढ़ाया, कांप उठे शंकर प्रलयंकर, पापी पीछे धाया, दोना अंबर दोनी धरती कापा सागर पानी, आपकी लीला। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम दीदी, क्या बन गई? दीदी मेरा राम कहाँ है? आज सुबह से नहीं देखा, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। क्यों ना हो, तुम्हारा प्रेम जो राम से 70 ज्यादा है, है ना कक्षी ने दीदी? वो देखो, वो रहा तुम्हारा लाल लाल राम। प्रणाम माता जी। चुप चुप जो मेरे राम, चुप चुप जो। माँ। प्रणाम माता जी। सुखी रहो बेटा। प्रणाम माँ। जिसे रहो बेटा। केके कब से तुझे ढूंढ रही है, कहाँ खो गया था? भरत के ध्यान में। देखा दीदी, राम के दिल में भरत के प्रति कितना प्रेम है। भरत भी तो राम राम की ही रट लगाता होगा। इन दोनों में कुछ भी तो अंतर नहीं, और यह अंतर जीवन भर नहीं आएगा।
लक्ष्मण? माता जी, माताओं को प्रणाम। जीते रहो बेटा। माता लक्ष्मी, पार्वती, शारदा, सभी माताओं के दर्शन हो गए। लक्ष्मण भैया, माताओं के दर्शन हो गए, चलो आप पिताजी के दर्शन कर रहे हैं। चलिए चलो। लक्ष्मण, राजमहल में ऋषि कन्या, तुम जानते हो ये कौन है? माता जानकी। लक्ष्मण, ये कैसी हंसी? किसी पराई स्त्री को मेरी पत्नी कहकर तुम मेरे एक पत्नी पर धर्म को कलंकित कर रहे हो। क्षमा करे भैया, मुझ में इतना साहस कहा, परंतु जिन पवित्र चरणों की मैंने सदा पूजा की है उसे पहचानने में मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। लक्ष्मण, अभी विश्वास हो जाएगा भैया। माता, लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार करें। लक्ष्मण, दसों दिशाओं में तुम्हारी कीर्ति फैली, पर चंद्र के साथ आज सूर्य दिखाई नहीं देते। सीते स्वामी। लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना। सीते, मैं तो तुम्हें इन वस्त्रों में देखकर धोखा खा गया था। आज ये बलकल किस खुशी में धारण किए? उर्मिला का मन रखने के लिए, ये देखिए। उर्मिला, कितना सुंदर चित्र बनाया है। बहुत सुंदर है, उर्मिला की कला सचमुच अद्भुत है। क्यों लक्ष्मण? उर्मिला, कितना प्रेम है दोनों में। प्रेम ही जीवन का सच्चा रूप है सीते। हाँ स्वामी, लेकिन आप सवेरे सवेरे किधर? पिताजी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मैं भी जाऊंगी आपके साथ। इस बहस में पिताजी देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कि हमारी बहुरानी ऋषि कन्या बन गई, अब मैं थैली में कपड़े बदल जाती हूँ। तुम्हारे कपड़े बदलना तो एक युग जैसा है, फिर उस पर भी कहोगी मुझे चलने के लिए रथ चाहिए, पालकी चाहिए। उससे तो अच्छा है मैं अकेले ही चलूं। महारानी, क्या बात है, आज तुम्हारे पैर खुशी के मारे धरती पर नहीं पड़ रहे हैं। जीवन में आज पहली बार तुम्हें इतने आनंद में झूमते हुए देखा है। हाँ स्वामी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इससे भी ज्यादा आनंद और खुशी तब होगी। बोलो महारानी, रुक क्यों गई? हम भी तो जाने तुम्हारे हृदय में किस बात के लिए खुशी का सागर उमड़ रहा है। ऐसे नहीं बताएंगे, उसके पहले आपको वचन देना पड़ेगा। अच्छा, तो महारानी हमें वचन के बंधन में बांध कर ही बताना चाहती हैं? तो जाओ, वचन दिया। अब तो बताइए क्या बात है। स्वामी, मैंने निश्चय कर लिया है, शीघ्र ही अपने लाडे राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। महारानी। हाँ महाराज, मैं अभी गुरुदेव वशिष्ठ के पास से मुहूर्त निकलवा कर आ रही हूँ। आने वाला पुष्य नक्षत्र का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। और फिर एक दिन आपने भी राज्यभार से मुक्त होने की बात कही थी। तो महारानी हर बात की गांठ बांध कर रखती है, लेकिन भरत और शत्रुघ्न का भी तो यह होना जरूरी है। उनकी क्या आवश्यकता है, तिलक मेरे राम का हो रहा है, भरत का नहीं, और उसके पास मैं समाचार भेज चुकी हूँ। लेकिन महारानी, टालने की कोशिश न कीजिए, नहीं तो मर्यादा भंग हो जाएगी। आप ही सदा कहा करते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंशी अपने वचन का मोल अच्छी तरह समझते हैं। महारानी की इच्छा पूर्ण हो। स्वामी, महाराज की जय हो, श्री राम पधार रहे हैं।
राम, मेरा लाल आ गया। प्रणाम माँ। चुप चुप क्यों मेरे लाल? प्रणाम पिताजी। सदा सुखी रहो बेटा। राम, तुम अच्छे अवसर पर आए। जानते हो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या निश्चय किया है? क्या पिताजी? अपने लाड प्यार का सहारा लेकर वो तुम्हारे कंधों पर कैलाश पर्वत जैसा बोझ रख देना चाहती है। क्यों माँ? बेटा तुम भी कहाँ अपने पिताजी की बातों में आने लगे। मैंने तो तुम्हें अयोध्यापति बनाने का संकल्प किया है। ये क्या है माँ, ये तो सचमुच ही कैलाश पर्वत जैसा बोझ है। और फिर मैं इस यज्ञ कहाँ? इससे तो अच्छा है भरत भैया को बुलाकर उनके हाथों में राज्य की बागडोर सौंप दी जाए। नहीं बेटा, राज के सच्चे अधिकारी तुम ही हो और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। हाँ कहो, हाँ कहो बेटा। जैसी माता जी की आज्ञा। देख लिया स्वामी, मेरा राम कितना आज्ञाकारी है। हाँ महारानी, फिर मंत्रिमंडल से कहकर सारे राज्य में इस बात की घोषणा कर दी जाए कि आने वाले पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर रघुकुल मणि राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। राम का राज तिलक होगा, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे प्रभु। ऐसा न कहिए, कहीं इन्हें आपकी नजर में लग जाए। जिस दिन इन्हें मेरी नजर लग जाएगी उस दिन भरत भरत नहीं रहेगा। अच्छा, इतना विश्वास है आपको? इसी विश्वास के सहारे तो मेरा जीवन है। लेकिन अनवी एक बात तो बताओ, अगर तुम अयोध्या में होती तो क्या करती? मैं जानती थी कि बार बार बनैया लेती, उनका श्रृंगार करती, हंसती नाचती गाती। ये पूछू क्या नहीं करती? अच्छा। हाँ, लेकिन आप होते तो क्या करती? मैं वो देखो, मैं भैया राम के चरणों की छाया में बैठकर उनकी सेवा करता, जो तुमने इस चित्र में बहुत दिनों पहले बता दिया है। मांडवी, धन्य भाग हुआ
अवध धाम का धन्य भाग हुआ, अवध धाम का राज तिलक है आज राम का, राज तिलक है आज राम का। इंद्रधनुष के रंगों से अब रंगोली रंगना रंगना, बाजे तोरा रंगना खन 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 खन, आयो रे आयो रे आयो रे शुभ दिन देखो आज मोरे अंगना, आयो रे आयो रे आयो रे। हाँ लगे ढोल पे था मंजी रे झांझ झमा झम करे, मंजीरे झांझ झमा झम करे, दीन के तार प्यार से भरे, दीन के तार प्यार से भरे, आज जन जन के मन को भरे, अवधपुरी के पलकल में देखा न कभी उमंग नाया उमंग ना, बाजे तोरा गंगना घन घन घन, आयो रे आयो रे आयो रे शुभ दिन देखो आज मोरे अंगना, आयो रे आयो रे आयो रे। अभी तक तो ये कुबड़े थी, अभी भगवान ने बहरे भी बना दिया। अरे तुझे तो पता नहीं, बहरे भी अपने मतलब की सुन लेती है, और फिर एक तो मंथरा है मंथरा। अरे तू सब छिपकली की तरह मेरे पीछे पीछे क्यों लगी हुई है? आनंद के गीत गा रही हूँ, सुबह होती मेरे लाल राम का राज तिलक होगा, मेरे सपनों का संसार नाच उठेगा मंथरा नाच उठेगा। आपके सपनों का संसार नहीं रानी जी, महारानी कौशल्या के सपनों का संसार नाच उठेगा। मंथरा मैं ठीक कह रही हूँ? आप बड़ी भोली हैं रानी जी, आपने जिस वृक्ष को अपनी ममता के अमृत से सींचा है उसमें अब जहर के फल लगने वाले हैं जहर के। क्या पागल जैसे बातें कर रही है? हाँ मैं तो पागल हूँ, ऐसी जो ठहरी आपका नमक खाती हूँ,
आपकी सेवा करती हूँ रानी, इसलिए इन आँखों से आपका बुरा नहीं देख सकती मैं। क्या भले बुरे की बात कह रही है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। आप सबको अपना जो समझती हैं, का मुहूर्त निकलवाया और राजा जी ने झट पट मान लिया, जानती हो किस लिए? किस लिए? अरे राजा जी बड़े चतुर हैं, उन्होंने सोचा भरत और शत्रुघ्न तो यहाँ है नहीं, अपना स्वार्थ पूरा हो जाएगा। कैसे स्वार्थ? यही कि राम अयोध्या के राजा होंगे और रानी कौशल्या राजमाता, फिर जानती हो क्या होगा, भरत लाल जी राम के दास होंगे और आप कौशल्या की दासी होंगी, फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी जाओगी रानी जी। मंथरा क्या बक रही है? रानी जी अब भी बिगड़ी सुधार लो और राम का राज तिलक होने से रोक दो। तेरा ये साहस मेरे राम के तिलक को रोकने की बात करे? याद रख, फिर राम के विरुद्ध बोली तो मैं तेरी जीभ खींच लूंगी, तेरे कान। क्या बुरा होने वाला है, तूने मेरी आंखें खोली रानी जी। हाँ मंथरा, मुझे क्या पता था कि मैं अपने हाथों से अपने रास्ते में कांटे बो रही हूँ, अपने बेटे भरत का भविष्य अंधकार में फेंक रही हूँ। लेकिन अब हो ही क्या सकता है मंथरा? रानी जी चाह तो सब कुछ हो सकता है। तनिक देखो, देखो अपनी इन दो उंगलियों को, देखा? याद आया ये निशान कब पड़े थे? देवासुर संग्राम में। हाँ, और उस युद्ध में प्रसन्न होकर महाराज ने तुम्हें दो वरदान देने के लिए कहा था, कहा था ना? हाँ। तो बस भाग तुम्हारे सामने खड़ा है, अब भी इसी समय महाराज से अपने वो दो वरदान मांग लो। लेकिन क्या मांगू? क्या मांगू? एक में अयोध्या का राज भरत जी को और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा, महाराज आप क्या देख रहे हैं? यमुना की धारा पर बह रही है, लेकिन सरस्वती कहाँ रह गई? बिना कई कई के त्रिवेणी। आप भूल रहे हैं स्वामी, मेरे राम का नहीं, केकई के बेटे राम का राज्य अभिषेक है, फिर वे यहाँ कैसे होंगे? वे भी तो अपने महल में मंगल गान गा रही हूँ। महाराज ये क्या छुपा रखा है? राम और सीता का मुकुट पसंद आया आपको? सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, अब हम सरस्वती को भी ले आते हैं ताकि त्रिवेणी संगम पूरा हो जाए। प्रभु राम और सीताजी का मुकुट मेरे राम के शिष्य पे कितना शोभा देगा। ये क्या मंथरा, ये क्या कर रहे हो? सब मिटा डाला, सब मिटा डाला। तुम झूठ बोलती हो, मैंने मिटाया नहीं बनाया है, समझी? नहीं समझी? सब समझ जाओगी, सब समझ जाओगी। महाराज दशरथ पधार रहे हैं। Thank you.
जय हो, महाराज की जय हो। उठो मंथरे, तुम्हारी महारानी कहाँ है? कोप भवन में महाराज। कोप भवन में? हाँ महाराज। संभव है तुम्हारी महारानी की खुशी में किसी बात की कमी रह गई हो। ठीक है, हम अभी जलकर उसे पूरा कर देते हैं। घटाओं में चांद उदास क्यों पड़ा है? वीणा के तारों पर खुशी की लागनी छेड़कर यहां देवी ने रंग भवन की जगह कोप भवन कैसे अपनाया? देखो देवी, कल तुम्हारा सबसे बड़ा स्वप्न पूरा होने वाला है, राम का राज्य विषय। हम अभी कौशल्या और सुमित्रा के पार्षद में लेने के लिए आ रहे हैं। मुझे उनके सामने मेरा क्या मूल्य? ऐसा ना कहो, लेकिन हम तुम्हारी उदासी का कारण जानना चाहते हैं। क्या करोगे जानकर? नहीं, तुम्हें नहीं मालूम हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो तो वो इस संसार में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। मेरा अपमान किसी ने नहीं किया, लेकिन मेरी इच्छा वो भी पूरी कर दी जाएगी। तुम्हारे एक ही संकेत पर हम पूरे देवलोक का ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों में डाल देंगे। सच महाराज? सच्चाई की नींव पर ही रघुवंशियों की आन का महल खड़ा है। अगर विश्वास न हो तो हमें चिंता न करो, हम अपना जीवन भी दांव पर लगाकर उसे पूरा करेंगे। तो सुनिए महाराज, देवासुर संग्राम में आपने मुझे दो वरदान देने के लिए कहा था। हाँ महारानी, हमें अच्छी तरह याद है और वो दोनों वरदान आज तक हमारे पास सुरक्षित रखे हैं। तो आज मैं आपको उस वरदान से मुक्त कर देना चाहती हूँ। महाराज, आप मुझे वो दोनों वरदान दे दीजिए। मांगो जी, क्या मत चाहती हो तुम? मांगो, इसके लिए इतनी हिचक क्यों? पहले वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन। महाराज, और दूसरे में राम को 14 वर्ष वनवास। राम को 14 वर्ष का वनवास? कई कई, ये तुमने क्या मांगा? वही जिसे पाने के लिए आज तक मैं अंधेरे में भटकती रही। कई कई, तुम तो राम को भरत से भी अधिक प्यार करती थी। तुमने ही राम के राज तिलक का मुहूर्त निकलवाया था, पर तुम्हारे मन में पाप की आंधी कैसे उठी? जो आपके दृष्टि में पाप है वही मेरे लिए पुण्य है। अच्छा हुआ समय ने मेरी आंखें खोली और मैंने अपने आप को और भरत को दासत्व के जंजीर में बंधने से बचा लिया। ऐसा न कहो कई कई, ऐसा न कहो। हम भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमारे लिए भरत और राम दोनों हमारी दो आंखों की तरह है। और फिर हम जानते हैं कि भरत को तो राज से जरा भी मोह नहीं है। लेकिन मुझे तो है, और मैं भरत को अयोध्यापति के रूप में देखना चाहती हूँ। कई कई, हमने तुझे प्रेम का हार समझकर अपने गले से लगाया, लेकिन तूने बिच्छू बनकर हमारी छाती में डंक मारा। वरदान देने का मतलब यह नहीं कि उन्हें अभिशाप के रूप में मांगा जाए। महाराज, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। आप अपने वचन पूरे करते हैं या नहीं? कई कई, दया करो, हम पर दया करो। अगर तुझे भरत को ही राजा बनाना है तो खुशी से बना ले, मगर हमारे राम को वन में न भेज। नाग बनी के बिना तो रह सकता है, लेकिन हम राम के बिना नहीं रह सकते। कई कई, नहीं रह सकते। महाराज,
आपके आंसू देखकर मैं पिघलने वाली नहीं। अगर आप वचनहारी बनना चाहते हैं तो कह दीजिए, रघुकुल की रीत झूठी है, रघु वंशों के वचन का कोई मोल नहीं, वो एक ढोंग है, दिखावा है। याद रखिए महाराज, अगर कल तपस्वी रूप में राम बन नहीं जाएगा तो मैं अपने प्राण दे दूंगी और मेरी हत्या का कलंक आपके माथे पर लगेगा। कलंक की छाया बनकर तो सारी अयोध्या पर तू छा गई है पापिन, ले ले अपने वरदान और दूर हो जा हमारे सामने। ए सूर्यदेव, कल का सवेरा कभी न हो, नहीं तो हमारे राम बन को चले जाएंगे, हमारे राम बन को। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। श्री राम कहाँ भस्वस्त है? श्री राम रात का मुहूर्त भर रहा है, कहाँ ढूंढू अपने प्रभु को? क्या रात का समय हो चुका है? हाँ, मुनि वशिष्ठ जी उनको यज्ञ मंडप में बुला रहे हैं, कहीं शुभ मुहूर्त न बीत जाए। मणिका, शंकर, भोला, जाओ जल्दी जाओ, श्री राम को लेकर के यज्ञ मंडप में पहुँचाओ। श्री राम पधारते आर्य कुलभूषण, प्रणाम। प्रणाम मंत्रीवर। प्रभु, आपको महारानी केकई ने बुलाया है। माता जी ने? कहाँ है वो? कोप भवन में। कोप भवन में? माँ, प्रणाम माँ। पिताजी। माँ, पिताजी, माँ, क्या हुआ पिताजी को? तुम्हारी ध्यान में मूर्छित पड़े हैं। पर किस कारण? कारण? कारण तो बहुत साधारण है। देव दानव युद्ध में महाराज ने मुझे दो वरदान दिए थे, आज वो मैंने मांग ली। वरदान? हाँ बेटा, एक में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में तुम्हारे भाई भरत को अयोध्या का राज। बस इस छोटी सी बात के लिए पिताजी की आत्मा को इतना बड़ा आघात पहुंचा है ना? हाँ, और तुम अयोध्या छोड़कर वन में चले जाओ, यही मेरी आज्ञा है। आपकी आज्ञा चिरोधार्य है माँ। मैंने तो पहले ही भरत भैया को राज्य देने के लिए कहा था। अच्छा हुआ कि आपने मुझे बहुत भारी बोझ उठाने से बचा लिया। पिताजी, पिताजी, राम, पिताजी, बेटा तुम आ गए। देख खबागिन, क्या राम का कोमल शरीर 14 वर्ष तक बन के भयानक दुखों का सामना कर सकेगा? इसमें दुख की क्या बात है पिताजी, भरत भाई अयोध्या में रहकर कर्तव्य का पालन करेंगे और मैं वन में तपस्वियों की सेवा अपने धर्म का पालन करूंगा। लेकिन हमने पिता बनकर अपने धर्म का पालन नहीं किया। पिताजी, संसार में हम जैसा भी कोई पत्थर दिल पिता होगा जो तुम जैसे कोमल फूल को अपने हाथों से कांटों में फेंक रहा हो। पिताजी, राम, आज्ञा ठुकरा दो, वन में न जाओ राम, वन में न जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी, आप ही ने तो हमें सदा शिक्षा दी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाही पर वचन न जाई। बेटा। हाँ पिताजी, यूं मैं आपकी आज्ञा पर अग्नि में भी कूद सकता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता हमारा रघुकुल
अभ्यास का भागी बनकर संसार के सामने सर झुकाकर खड़ा रहे। बेटा तुम कितने उदार हो, तुम्हारे कितने ऊंचे विचार हैं। अब तो तुम ही अपने कुल की नाव को डूबने से बचा सकते हो। लेकिन तू कुल की नाव को अवश्य डुबा कर रहेगी। याद रख कैकेयी, राम के चले जाने के बाद तू कभी शांति से नहीं रह सकेगी। जीवन भर अपना सिर पटक पटक कर रोएगी। नहीं नहीं पिताजी, माँ को ऐसा मत कहिए। देख ले कैकेयी, तू राम को विष पिला रही है, फिर भी ये तेरे लिए अमृत की कामना कर रहा है। बेटा राम, तू हमेशा फलता फूलता रहे, तेरा नाम, तेरी कीर्ति युग युग तक अमर रहे। राम। पिताजी, पिताजी, मां। राम, राम, राम। माँ, ये लो मुकुट, भरत भैया को पहना देना। राम, राम। प्रणाम माँ। तक प्रभु नहीं आए, काफी समय हो गया। तो ऐसा सर गोप भवन में क्या काम? आ गए प्रभु, आ गए। सुमन जी, घोषणा कर दी जाए, हमारा राज्याभिषेक नहीं होगा। क्या श्री राम का राज्याभिषेक नहीं होगा? हमारे राम का राज्याभिषेक नहीं होगा। भैया लक्ष्मण, क्या आपका राज्याभिषेक नहीं होगा? हाँ लक्ष्मण, माता कैकेयी और पिताजी की यही आज्ञा है। मैं 14 वर्ष के लिए वन में जाऊं और भरत भैया अयोध्या के राजा बने। भरत और अयोध्या का राजा, यह असंभव है। राजा चुनने का अधिकार केवल प्रजा को है, माता पिता को नहीं। लक्ष्मण। हाँ भैया, कैकेयी माता नहीं परंतु कुल का नाश करने वाले राक्षसी है। लेकिन मैं भी देखता हूँ कौन है आपको सिंहासन पर बैठने से रोकने वाला। आए तो मैदान में एक एक को मृत्यु की गोद में सुला दूंगा। शांत हो लक्ष्मण, शांत। भैया, अन्याय होते हुए देखकर शांत रहना एक कायरता है। मैं नहीं जानता था कि नारी के मुंह में पड़कर पिताजी का इतना बड़ा पतन होगा। लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? पिताजी ने तो अपने दिए हुए वचनों का और अपने धर्म का पालन किया है। मैं ऐसे वचनों और धर्म को नहीं मानता भैया। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। चाहे पृथ्वी रसातल को चली जाए, चाहे आकाश खंड खंड होकर टूट पड़े, मगर मैं आपको अयोध्या के सिंहासन पर बिठाकर ही रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम का आदर करता हूँ लक्ष्मण, परंतु तुम्हारे विचारों का नहीं। भैया। हाँ लक्ष्मण, तुम क्रोध के आवेश में ये क्यों भूल जाते हो? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाही पर भजन न जाई। भैया। मित्र, कर्तव्य की वेदी पर बड़े से बड़ा बलिदान करना पड़ता है। तुम्हें मेरी सौगंध है कि तुम मेरे संकल्प और निश्चय के मार्ग में बाधा न बनो और फेंक दो इस तलवार को। मां, मां, माँ, माँ, धीरज रखो माँ, धीरज रखो। मुझे और जानकी को वन में जाने की आज्ञा दो। तो क्या बहू भी जा रही है? सीता, सीता, माता जी, जहाँ सामने वहाँ उनके चरणों की छाया। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं 14 वर्ष का समय पूरा करके
इनके साथ कुशल पूर्वक वापस लौटा हूँ। और सीता आज अयोध्या वासियों के महाराज और महारानी बनने वाले थे, तुझे तो सब भगवान कहते हैं, फिर बताइए क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता माँ। लेकिन मेरे चेते जी, ये कभी नहीं होगा माँ। हाँ, मैं भी एक नारी हूँ, मेरे हृदय में भी माँ का दुख तड़प रहा है, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो माँ? क्या तुम महाराज के दिए हुए वचनों का अपमान करके अपनी महानता को मिटा दोगी? क्या तुम ये चाहती हो कि संसार के लोग इस बात को हंसी उड़ाए कि राम की मां ने अपने स्वार्थ के लिए रघुवंशियों का नाम सदा के लिए नीचा कर दिया? नहीं, नहीं। तो माँ, राम को राम रूप में रहने देना चाहती हो तो मुझे हंसते हंसते विदा दे दो, मुझे आशीर्वाद दो माँ। तुम मेरे राम का सदा ही ध्यान रखना, तुम भी सीता को कभी अकेले न छोड़ना। भगवान तेरे तुम दोनों के करने के लिए जा रहे हैं, इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है? फिर भी उर्मिला, तुम मुझे अन्यायी तो नहीं कहोगी? ऐसी भावना आने से पहले मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रहेंगे। आप तो देवता हैं, देवता का हर कार्य न्याय पूर्ण होता है। तुम्हारी हर बात निराली है उर्मिला, मैं तुमसे नहीं जीत सकता। जिस स्वयं पराजिता हो उसे जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मुझे एक ही बात का दुख रहा स्वामी। क्या? मैं चाह कर भी आपके चरणों के पीछे पीछे नहीं आ सकती। डरती हूँ मेरी मोह में पड़कर आप अपना कर्तव्य न भूल बैठे और प्रभु की सेवा अधूरी रह जाए। तुम कितनी महान हो उर्मिला। मुझे मोह नहीं, तुच्छ ही रहने दीजिए। लेकिन जाने से पहले यही आशीर्वाद देते जाइए कि 14 वर्ष में एक क्षण के लिए भी आपकी याद मेरे हृदय से लग रहा है। Oh!
भैया माता लक्ष्मण ये क्या तुमने भी तपस्वी वेश धारण कर लिया भैया आपके बिना अवध में मेरा काम ही क्या लक्ष्मण हाँ भैया मैं तो आपका सेवक हूँ और सेवक स्वामी से कभी दूर नहीं रह सकता हट ना करो लक्ष्मण ये हट नहीं मेरी प्रार्थना अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो इसी घड़ी मैं आपके चरणों में मेरे प्राण दे दूंगा लक्ष्मण स्वामी इन्हें भी अपने साथ ले चलिए सीते अच्छा चलो लक्ष्मण भैया माता प्रणाम पिताजी राम बहु रानी जानकी बेटा लक्ष्मण पिताजी मैंने इन दोनों को बहुत समझाया लेकिन ये नहीं माने धन्य हो बेटा धन्य हो पिताजी अब हम सबको आशीर्वाद दीजिए मुहूर्त निकाले मुनि वशिष्ठ से पंडित और विद्वान प्रभु राम का राज तिलक हो शुभ दिन बने महान राज के बदले राम कर रहे हैं वन को प्रस्थान हाँ कौन टाल सकता भाभी को होनहार बलवान अवधपुरवासी वन के बनवासी हो राजा राम चले ओ मैया की अखियां प्यासी दिखाई उदासी हो राजा राम चले गए माला के मोती बुझ गए दीप जोए ओ कौन है ऐसा पत्थर दिल जो आज के दिन ना पुरवासी बन के बनवासी हो राजा राम चले लिखने वाले ने
कल मुठभाई होगी। पुरवासी बन के बनवासी हो राजा राम चले। मैया की अखियां प्यासी रिछाई उदासी हो राजा राम चले। चलेंगे कैसे समझ न आए हम कांटों पर ये पांव चलेंगे कैसे समझ न आए। कांटे क्या इन पांव में तो कलियां भी चुभ जाए रे। पुरवासी बन के बनवासी हो राजा राम चले। तूने ही मेरी बिगड़ी बनाई है। आज जो कुछ मुझे आनंद हो रहा है वो सब तेरी कृपा का फल है। महारानी की जय हो। महादेवी की जय हो। क्या है नंदा, ये वस्त्र ये आभूषण कैसे? आपके सिंगार के लिए मंथरा जी ने भेजवाए हैं, परंतु मंथरा कहाँ चली गई? भरत जी को बुलवाने के लिए वे सिद्धार्थ को खबर देने गई है। मेरे भरत को, मेरा भरत अयोध्या पति बनेगा। राम बन बन भटकता फिरेगा। श्री भगवान रामचंद्र की। माता जानकी की जय। अरे लल्लू चंदू मंगू सब आते हो। उठो गोराज, उठो। प्रभु, प्रभु, जब से सुना आपको बलवास मिला बड़ा ही और खुशी भी। दुख ये था कि आप वन को जा रहे। और खुशी यही
आपके चरण स्पर्श प्रभु आप मिल गए, हमें सब कुछ मिल गया, हमारा जीवन सफल हो गया, हमारे जन्म जन्म के पाप कट गए, हमारी प्यासी आंखें शीतल हो गई। प्रभु आइए गांव में चलकर हमारी टूटी टूटी झोंपड़ी पवित्र कर दीजिए। नहीं गोराज, अब मैं गांव में नहीं जा सकता। पिताजी की आज्ञा अनुसार मैं 14 वर्ष तक वन में रहूंगा। 14 वर्ष वनवास? कितना कठोर वर्ष। हाँ गोराज, अब हमें गंगा पार उतरना है। प्रभु आइए आइए, प्रभु आइए आइए। प्रभु यही है केवटराज। केवटराज प्रभु, हमारे भाग्य जान थे जो आपने हमें दर्शन दिए। प्रभु हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए। केवटराज प्रभु बस्ती में नहीं जाएंगे, तुम इन्हें गंगा पार उतारने का प्रबंध करो। वो तो होगा ही, किंतु प्रभु हमें भी तो सेवा का अवसर दीजिए। पधारिए, आइए आइए प्रभु आइए। जबान जादू वाला है रे ये रमैया। दैया रे एक पट रुआ तो झट बन गई पट चल गैया। बत्तियों में मत फस जाइयो। साफ सफाई कर पाओ धुआई ठीक नैया में बिठाइयो।
हम सेन भइयों नदिया के पार लगाए तुम्हें तुम हमको भी पार लगइयों हमको भी पार लगइयों हम सागर से पार लगइयों नहीं लौटे। धीरज रखिए स्वामी, आते ही होंगे। राम राम प्रणाम महाराज। कौन सुमन? तुम आ गए लेकिन हमारे से बहुत सीता कहा है महाराज। बोलो सुमन, बोलो। तुमने लौटा लाए? चले गए महाराज। वन को चले गए? वो वन को चले गए और हमारे प्राण अभी तक क्यों नहीं गए? राम राम हट जाओ, हट जाओ। आज वो दिन, वो घड़ी तुम बेटे। श्रवण कुमार, मत पितापक श्रवण कुमार। महाराज, महाराज, मैं अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था। और इस पापी दशरथ ने तुम्हारे खून से अपने हाथ रंग डाले, हमेशा के लिए ब्रह्म हत्या का कलंक अपने माथे पर लगा लिया। ऐसा न कहिए महाराज, भगवान की यही इच्छा थी। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है। कहो बेटे। आप जल्दी से ये जल लेकर मेरे प्यासे माता पिता के पास जाएं और उनसे कहना कि अभागा श्रवण उनकी तीर्थ यात्रा का व्रत पूरा न कर सका। आह माँ, आप पिता। श्रवण बेटा। क्या हुआ दीदी? स्वामी, आज ना जाने मेरा मन क्यों घबरा रहा है। ऐसा मालूम होता है जैसे मेरी आत्मा को कोई नोच के ले गया। न जाने अभी तक मेरा श्रवण नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। चिंता न करो दीदी, आता ही होगा। लो, आ गया वो तुम्हारी आंखों का प्यारा। हाँ? बेटा समझ, तुम्हें जरा देर हुई नहीं कि तुम्हारी माँ व्याकुल हो उठती है। जल्दी आया बेटी, ला बड़ी प्यास लगी है। हाँ बेटा, ला बड़ी प्यास लगी बेटा। अरे तू बोलता क्यों नहीं? अपनी माँ से रूठ गया है क्या? अरे पगली, हमारा घोड़ी हमसे रूठ जाएगा। अरे वो तो करोड़ों तारों में। ला बेटे जल्ला। वाह
शरवण के हाथ में, बोलो तुम, बोलो, जवाब दो। अब भागा दशरथ। महाराज दशरथ, अयोध्यापति दशरथ, आप कितने दयालु हैं, कितने महान हैं, जो आप जल ले आए। लेकिन मेरा श्रवण कहाँ है? आपका श्रवण अब इस दुनिया में नहीं रहा। बेटा श्रवण, बेटा, महाराज, महाराज मेरे लाल को क्या हो गया? महाराज, तुम्हारे को कुछ भी तो नहीं हुआ। वो जल भर रहा था और हमने उसके जल भरने की आवाज को किसी जानवर के पानी पीने की आवाज समझकर बाण चला दिया। पापी अत्यारे, ये तूने क्या किया? अरे लाल को मारने से पहले तूने हम दोनों को क्यों नहीं मार डाला? महर्षि, माता हमें क्षमा कीजिए। कभी नहीं, तुझे इसलिए कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। नशा साहब तुझे श्राप देते हैं, जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह तू भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। माता, उन दुखी आत्माओं का श्राप कभी झूठा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। राम, लक्ष्मण, सीता, हे राम। क्या हुआ, क्या हुआ भैया, इतने क्यों घबरा रहे हो? मामा जी, शत्रुघ्न, अभी मैंने बड़ा भयानक सपना देखा। सपने तो आते ही रहते हैं बेटा। नहीं मामा जी, ये गरजते हुए बादल, ये चमकती हुई बिजली और तूफान में दीयों का बुझ जाना। भरत, मामा जी, ये देखिए प्रभु का मुकुट। अयोध्या में जरूर कोई दुर्घटना हुई होगी, मुझे शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं मांडवी, तुम फिर आना। लेकिन भैया, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। अच्छा शत्रुघ्न, मामा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ भरत, अयोध्या से सिद्धार्थ भी तुम्हें बुलाने आए हैं। जाओ। ये तो बताओ, भैया राम, लक्ष्मण और माता सीता ने आने से पहले कुछ कहा तो नहीं? हाँ सुनो, याद करते करते वो देखिए पक्षियों का दूर जा रहा। हाँ, बहुत दूर चला गया है और अब अयोध्या भी पास आ रही है, सब हमें पाकर प्रसन्न होंगे। और पिताजी तो वो देखिए सूर्य बादलों में छुप गया है। हाँ सचमुच छुप गया है, माता जी भी आनंद के दीप जला रही है। कुमार, मंथरा, ये आरती और ये मूड किस खुशी में? आपके स्वागत के लिए, देखिए ना, हर दीप आपका जय जयकार कर रहा है। ये आपके शीश की शोभा बढ़ाने के लिए। भरत लाल जी, अब आप राजकुमार नहीं हैं, अयोध्या के राजा हैं। राजा, बेटा भरत, भरत।
बेटा? आपके माथे का सुहाग चिन्ह, आपके चारों तरफ ये भयानक काली छाया कैसी? बोलिए माँ, जल्दी बोलिए। बेटा, होनहार होकर रहती वो तो अच्छा हुआ कि मंथरा ने हमारी सहायता की, मगर एक तरफ खुशी के दीप गए और दूसरी तरफ तुम्हारे पिता। पिताजी? क्या हुआ पिताजी को? काल की आंधी आई और वो हम सब को छोड़कर चले गए। पिताजी, भगवान, ये आपने क्या किया? मैं पिताजी के अंतिम दर्शन भी न कर सका, मुझे ऐसा आभागा इस संसार में और कौन होगा? रो नहीं बेटा, धीरज से काम लो। धीरज? कैसे धीरज रखूं माँ? मगर आप ये तो बताइए, इतना बड़ा वज्रपात हुआ कैसे? क्या हो गया था पिताजी को? कुछ भी तो नहीं बेटा, जरा सी चिंगारी को ज्वालामुखी बना डाला उन्होंने। पहली आने बुझाओ माँ, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। वही तो कह रही हूँ बेटा, महाराज ने मुझे एक बार दो वर देने को कहा था, भाग्य ने मेरा साथ दिया, अवसर पाकर मैंने वर मांग ली। कौन से वर मांगे थे आपने? तुम्हारे लिए अयोध्या का राज सिंहासन और राम के लिए 14 बरस का वनवास। माँ, मेरे भैया राम को 14 वर्ष का वनवास? हाँ बेटा, मेरे मना करते करते सीता और लक्ष्मण भी साथ में थे। और उनके जाते ही पिताजी ने अपना शरीर त्याग दिया, यही ना? तूने अपने अंधे स्वार्थ के लिए कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। पति घाती नहीं, तूने राहु बनकर रघुकुल मणि को निगल लिया। तू जैसी नराधम स्त्री पृथ्वी पर कोई हुई न होगी। भरत तो चाहता है कि मैं तेरा गला खोल दूं, लेकिन मैं तेरी तरह हटा नहीं बनना चाहता। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध तो यह है कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? सर्वनाश करके पूछती है मैं क्या कह रहा हूँ? पापिन, पेड़ काट कर तूने पत्ते को सींचने की कोशिश की, वर मांग के सारी अयोध्या पर अभिशाप के अंगारे बरसा दिए। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया है बेटा। देव तुझे पिता के प्राण देकर राम लक्ष्मण से भाई और सीता की माता को मुझसे छीनकर तूने मेरी भलाई की। नागिन, ऐसे कठोर वर मांगने से पहले तेरी जीभ कट कर गिर क्यों न पड़ी? तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? खबरदार जो मुझे बेटा कहा, तूने माँ की ममता के धागे तार तार कर दिए, सारी मातृ जाति को कलंकित कर दिया। आने वाला इतिहास तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। भरत, भरत इतना निर्दय न बन। निर्दयी तो तू बनी, मगर याद रख, मैं तेरे सपनों को मिट्टी में मिलाकर रहूंगा। राजा भरत नहीं, भैया राम होंगे। मैं शीघ्र से शीघ्र उन्हें वन से वापस लेकर आऊंगा। भरत नहीं, मेरा निश्चय अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं तो तेरा मुंह नहीं देख सकता। कहाँ जाती हो भागकर कुबड़े? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो। नाश करके दया की भीख मांगती हो? दुष्ट पापी, ले अपने कर्मों का फल। तो आ गया बेटा,
बीच नहीं दशा, नहीं तुम उस पापी से दूर रहो। मुझ नीच के कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ। भैया राम लक्ष्मण और जानकी माता बनने गए। मुझ पापी को मार डालो, मार डालो। नहीं भरत, नहीं ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। एक बार अपनी मुंह से कह दो कि तुम्हारा भरत निर्दोष है। भैया राम को बन भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं था। हाँ भरत, तुम सचमुच निर्दोष हो। तुमने और राम ने अंतर ही किया है। तुम तो मुझे राम के लिए अधिक प्रिय हो। तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस रही थी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। लेकिन माँ, तुमने उस पापिन केके की बात क्यों मानी? भैया राम को वन में जाने से क्यों नहीं रोका? कैसे रोकती बेटा, केके जी तो राम की माता है और माता की आज्ञा पालन करना संतान का धर्म है। धन्य हो माँ, धन्य हो। इतना दुख सहकर भी तुम्हारी मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं। तुम साक्षात दया और क्षमा के अवतार हो। मैं तो कुछ भी नहीं बेटा, अपने सुहाग को खोकर केवल धरती का बोझ बनकर रह गई। महाराज तो राम सीता कहते कहते संसार से चले गए, तो मेरे प्राणी शरीर को अभी तक क्यों नहीं छोड़ते? दुखी न हो माँ, मैं तुम्हारी इन आंसुओं को खुशी में बदल दूंगा। बहुत शीघ्र राम लक्ष्मण और सीता माता को वन से वापस लेकर लौटूंगा। ननिहाल से लौटकर भरत ने जब हम तीनों को अयोध्या में नहीं पाया हुआ होगा, तब उस पर क्या बीती होगी? क्या बीती होगी भैया? अपने भाग्य की सफलता पर फूला नहीं समा रहा होगा। अपनी दुष्ट माता और दूसरे संबंधियों के साथ आनंद के राग अलाप रहा होगा। लक्ष्मण! हाँ भैया, जिस भरत के कारण महल छोड़कर वन में भटकना पड़ा, जिसके लिए माता पिता और जन्मभूमि का वियोग सहना पड़ा, उस भरत को आप अभी तक नहीं भूले? लक्ष्मण, फिर वही क्रोध? क्रोध की तो बात ही है भैया, भरत हमारा भाई नहीं वैरी है। जी तो चाहता है उसको और उसके साथियों को। लक्ष्मण, क्रोध के कारण मनुष्य अपनी बुद्धि खो बैठता है, इसलिए तुम भी कभी कभी सत्य की आत्मा को पहचान नहीं सके। भैया, लक्ष्मण इतने वर्ष साथ रहकर भी तुम भरत को पहचान नहीं पाए। वो लोभी नहीं, तपस्वी है, त्यागी है। राम! प्रभु, कहाँ हो तुम? राम कहाँ? राम कहाँ? बताओ मुझे, बताओ मेरे प्रभु श्री राम कहाँ? राम कहाँ? राम कहाँ?
कब तक दर्शे को तरसेंगे बिकल हमारी दो अखियां, हम तो ऐसे ही बन गए टूट गई दिन की पखियां, बन की हवाओं तुम्हें बताओ मेरे प्रभु श्री राम कहाँ, राम कहाँ, राम दरक बिन ये नैना प्रभु कहाँ तक तरसेंगे, बादल सावन में बरसे ये बारो मास ही बरसेंगे, दशो दिशाओ तुम्हें बताओ मेरे प्रभु श्री राम कहाँ, राम कहाँ, राम कहाँ। कहा